Spit Q. हेलो गाइस, हम आए हैं फिटक्यू जिम में और यहाँ का दिखाता है प्रेसमोट फेयर क्या है और स्पेस। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो क्रॉसफिट एरिया है बहुत ज़्यादा ओपन है ताकि जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको सबको ओपन मिले और उनको कोई भी सफोकेशन ना हो। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का क्रॉसफिट एरिया। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ट्रेडमिल्स हैं, आपका क्रॉस चैनल अलग से दे दिया गया, फिर एक ट्रेडमिल दीजिए, क्रॉस चैनल एंड स्पिनिंग एरिया बिल्कुल साथ में लगा दिया गया। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है यहाँ का, वो आपके लिए दिखाना चाहेंगे पूरा क्रॉसफिट एरिया, तो कि पूरा ओपन ओपन क्रॉसफिट फिट क्यू। वाओ, इतना अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी सफोकेशन नहीं होगा, डेडली एरिया बिल्कुल यहाँ पर डाल दिया गया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकांक्षा फिट क्यूब जिम से। आकांक्षा, जानना चाहूंगा यहाँ पे क्रॉसफिट एरिया जो है वो ओपन रखा गया, उसका कुछ खास रीजन? हाँ, ओपन इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हम हाई डेंसिटी वर्कआउट्स कराते हैं, सर्कल वर्कआउट्स कराते हैं, तो क्या होता है कि क्लाइंट को बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होती है। अगर मैं एक कवर्ड एरिया में कराऊंगी, बहुत सारे क्लाइंट एक साथ वर्कआउट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको सफोकेशन फील होने लगती है। तो इसलिए ओपन अगर इन्वायरमेंट मिलता है तो क्लाइंट को भी थोड़ा फ्रेशनेस फील होती है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी बात की थी तो पता लगा था यहाँ क्लासेस दो टाइम की जाती है, तो इसका कोई खास रीजन? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि ना, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में मिस कर देते हैं, तो फिर उनके लिए सेम ही पैटर्न हमने इवनिंग में रखा है ताकि वो इवनिंग में फिर से हमारे साथ जुड़ सके। बहुत अच्छी बात है कि किसी भी क्लाइंट की कोई क्लास मिस नहीं होती, यानी कि जो भी क्लासेस मॉर्निंग होती है वही क्लासेस इवनिंग होती है, राइट? यस सर। फाइनली हमारे साथ हैं मिस्टर अजय यादव जो कि फिट क्यूब जिम के ऑनर हैं, तो इनसे बात करेंगे कि क्लाइंटों के लिए आपने आगे के लिए क्या स्कोप रखा। हाय, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा शुरू से एक मोटो था, जब मैं फिटनेस के लिए प्लान कर रहा था कि मेरा आगे एक क्लब होना चाहिए, जिम होना चाहिए, तो नीड, क्लाइंट की नीड क्या है। ऐसा नहीं है कि सारे क्लाइंट पावर लिफ्टिंग चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग चाहते हैं। आजकल हमारे मेंबर जितने हैं, सोसाइटीज़ हैं, क्या नीड है, किसी को मेडिकल कंडीशंस हैं, किसी को फैट लॉस करना है, कोई फिटनेस के लिए आ रहा है। तो एक ऐसा मैंने अपना एक कंपनी डिजाइन किया जिसमें हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए और हर जगह हम अपना फिट क्यूब का एक सेंटर ले जाएं जहां हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए सारा। जैसे कि अभी सुन पा रहे हैं 122 के लिए भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वहां की क्लाइंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? 122 में भी मैं जिम प्लान कर रहा हूं और मे बी मार्च में हम ओपनिंग करेंगे उसकी। सेम कंसेप्ट पे जा रहे हैं कि सारी मेडिकल कंडीशन, उसके अलावा वेट लॉस, फैट लॉस या किसी कोई आपका ड्रीम है फिटनेस को लेके, तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। आपके लिए मैंने बहुत चीज़ देखी, आप ट्रेनर्स जो भी हायर करते हैं तो मिनिमम आप 4 से 5 साल का उनका एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई खास नहीं रीजन है? आपको भी पता है कि हर एक इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी दे पाएगा क्लाइंट को मैम आपका ट्रेनर। तो हम चाहते हैं कि जितना एक्सपीरियंस है उतनी ज़्यादा क्वालिटी मिले मेरे क्लाइंट को, ना कोई इंजरी हो, प्रॉपर उसको एक डिजाइन कस्टमाइज वर्कआउट प्लान मिल पाए और एक अच्छे से उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। जितना अभी हमने सर से बात की थी, मैन से भी, हमने अच्छे मैन से बात की थी, तो उसे पता लगा था जितने भी मतलब सर्टिफाइड आप रखते हैं उसके कुछ खास रीजन, मतलब जैसे कि कम अगर सैलरी रखा जाए, कम सैलरी में आपको अच्छे ट्रेनर मिल सकते हैं, बट आप सर्टिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे खास रीजन? सर्टिफाइड इसलिए रखते हैं कि नॉलेज, आप जानते हैं कि एक बंदा सिर्फ देख के सीख रहा है वर्कआउट करके एक नहीं क्वालिफाई करता, नॉलेज उसको पूरा पढ़ाया गया, पूरा एनाटॉमी उसको पता है, बॉडी के एक एक पार्ट, एक एक मसल्स के बारे में उसने पढ़ा है, तभी तो इंजरी से बचाएगा अपने मेंबर को। हर एक जॉइंट के बारे में जानेगा जिसकी वजह से वो अपने क्लाइंट को इंजरी से बचा सकता है, अगर वो किसी इंजरी में है तो उसको ठीक भी कर सकता है लाइक ए डॉक्टर की तरह। तो मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ और आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा फिट क्यूब जिम अजनारा। थैंक यू सो मच। वर्कआउट एरिया फिट क्यूब, ये लेग कर्ल है और ये लेग एक्सटेंशन है। और सबसे बड़ी बात आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एडक्टर और एडक्टर जो कि बहुत कम जिमों में पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बारबर के लिए बिल्कुल स्टैंड अलग लगा दिया गया है ताकि आप यूज करने के बाद उसको वापस रख दें और वो रीरैक हो ताकि जिम के अंदर सफाई बनी रहे। और एक सबसे बड़ी बात और सबसे अहम जो कि बहुत कम जिमों में पाई जाती है, और केबल क्रॉस 2 दी गई हैं ताकि क्राउड इकट्ठा ना हो। पीछे कर भी अलग से दिया गया,
आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। नीचे एक लॉक होता है, अगर आप फ्री भी कर जाते हैं यानी कि आपके वेट से एकदम से छूट जाए, या जिम में सिर्फ एक या दो बेल्ट होती हैं, पर यहाँ पे अच्छी खासी बेल्टें दी हैं ताकि क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन्होंने क्या किया गया, फ्लैट बार और जिगजैग बार यानी कि ईजेड बार दो रैक हैं, ताकि सभी का ये स्टिक लिए कि आप अगर वर्कआउट करेंगे तो डंबल जहाँ से आप उठाएंगे आपको वहीं पर वापस रखना होगा, जिससे कि जिम की प्योरिटी और सफाई पर ध्यान दिया जाता है। स्क्वाट, फिर स्क्वाट और स्मिथ मशीन दोनों साथ में वर्क करते हैं। इतना चाहें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट बढ़ा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 35 का डंबल लगाओ ताकि आपको इंजरी ना हो, यानी जितना हम चाहेंगे वेट बढ़ा सकते हैं बट आपको इंजरी नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे लिए बहुत फेवरेट हैड स्क्वाट। हेड स्क्वाट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आपके स्क्वाट के लिए सबसे बड़ी सबसे बेस्ट है फिट लाइन की सबसे बेस्ट लेग पुल डाउन जो राइट सर सिटी ड्रॉइंग का बिल्कुल नया वर्जन है। इसमें आप देखेंगे तो हाथ को आप अगर कैपेसिटी के साथ साथ अपनी मूवमेंट कर सकते हैं जिससे आपके रिब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको रिब्स के अंदर कोई भी कैसा भी पेन नहीं होगा। आप दिखाना चाहेंगे आप, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वेटेड है, एक बेसिक वेटेड है, इसमें वेट नहीं बढ़ाना चाहता। अगर वेट बढ़ाना है तो आपको उस मशीन को यूज़ करना होगा, लेकिन अगर आपको एक स्टैंडर्ड वेट रखना है तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। टेक फ्लाई के लिए आपको अलग से दिया गया, लेकिन थोड़ा लास्ट में रख दिया गया है ताकि लोगों की नज़र ना आ जाए। और सबसे बड़ा पुल अप करने के लिए, यानी कि जैसे बिगनर लोग होते हैं अगर जैसे पुल अप सेल्फ नहीं कर पाते हैं तो मशीन के साथ वो थोड़ी सहायता लेते हैं। आइए दिखाते हैं उनका जुम्बा रोप जिसमें आपकी ग्रुप एक्टिविटी होती है।